नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या था, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो. मोड ऑफ एक्स माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है वाली यस बात? यस सर. ओके, तो यहां पर अगर सीधा सीधा सिंपली अपने पास में अगर गिवन होता कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो फाइंड एक्स, तो अपन क्या कर देते यहाँ पे, जैसा कि अपन लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स कर लेते और वहां से एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते. क्लियर है बेटा ये वाला? यस सर. तो सर मोड खोल लिया अपन ने इधर ही, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया भाई, ऐसा तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे मॉड्यूलस दिया हुआ है. तो जब अगर मॉड्यूलस गिवन होगा तो फिर मॉड्यूलस तो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड पॉजिटिव नेगेटिव ओपन होता है बेटा. यस सर. ओके, और अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको अगर मैं मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखूं तो भाई कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना. नो सर. एक्स स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी भैया, मैं एक्स चाहे नेगेटिव रखूं चाहे पॉजिटिव रखूं, वो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर के ये दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल ही तो आएंगी. यस सर. ओके, दैट मींस मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं भाई, इसको लिख दिया अपन ने मॉड्यूलस ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0. तो यहां पे ये जो भी मॉड्यूलस है वो कैसा ओपन हो रहा है, मतलब 0 किस पॉइंट के लिए होगा, 0 तो एक्स इक्वल्स टू 0 पे होगा, x इक्वल टू जीरो के लिए तो जीरो होगा. यस सर. तो अपन एक बार के लिए जीरो से स्मॉलर वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं. केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन जीरो, जीरो से जब स्मॉलर होगा तो कंडीशन क्या होगी, जीरो से स्मॉलर होगा तो ये वाला किसा कैसा ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा. यस सर. ओके, इसके अंदर भी जीरो से स्मॉलर वैल्यू इसमें जाएगी तो ये नेगेटिव होगा तो ये भी विद नेगेटिव साइन ओपन होगा. यस सर. माइनस x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, एक्स माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस, हो जाएगा एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, एक का वैल्यू आई माइनस थ्री और एक एक्स की वैल्यू आई टू. एक्स का वैल्यू टू पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि एक्स किसके लिए चाहिए अपन ने, लेस देन जीरो के लिए चाहिए बेटा. सर एक बार मॉड्यूलस खोला वहां पर वापस से बता दो कैसे हुआ. बेटा जी मुझे तो ये बता दो कि ये मॉड्यूलस है, इसके अंदर जो भी वैल्यू जा रही है, ये जो भी एक्स जा रहा है वो जा रहा है लेस देन जीरो. ओके सर. तो मुझे ये बता दो, पहली बात तो ये बताओ कि ये वाला मॉड्यूलस जो इसमें एक्स की वैल्यू ऐसी क्या पुट कर दूं कि ये जीरो हो जाए. जीरो जीरो हाँ सर. एक्स इक्वल टू जीरो ही तो होगा, इसका मतलब अगर आप इसमें मैं अगर जीरो से स्मॉलर वैल्यू पुट करूंगा, इसका मतलब एक्स को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नेगेटिव ही तो कहना चाह रहा हूँ. यस सर नेगेटिव. तो उस केस में ये कैसा ओपन होगा, माइनस ऑफ एक्स ओपन हो जाएगा. एक बार के लिए अगर मैं इसके अंदर वैल्यू कैसी पुट कर रहा हूँ, अगर जीरो पुट कर रहा हूँ तो जीरो ही हो जाएगा. एक बार के लिए यहाँ पे जो भी एक्स है इसको अगर मैं कैसा पुट कर रहा हूँ, नेगेटिव पुट कर रहा हूँ तो ये कैसा ओपन, पॉजिटिव ओपन पुट कर रहा हूँ तो ये कैसा ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव ही ओपन हो जाएगा. आया समझ में? आया समझ में ये? यस सर. ओके बेटा जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई. नेक्स्ट ये हो जाएगा अपने सर, एक सेकंड मिटाना मत. एक्स इज ग्रेटर देन 0. सेकंड केस की बात कर लेते हैं. केस 2, एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला मॉड्यूलस 0 की तरह ही ओपन हो जाएगा भाई. ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा. माइनस ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0. नॉट पॉसिबल. माइनस 6 0 के इक्वल थोड़ी ना होता है. थर्ड केस कंसीडर करेंगे. केस थर्ड, एक्स इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव ही ओपन हो जाएगा. दैट मींस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0. ये बाहर माइनस साइन था और ये पॉजिटिव ओपन होगा तो एक्स ही हो जाएगा माइनस का. क्योंकि पॉजिटिव के लिए चेक किया था, नेगेटिव के लिए तो चेक ही नहीं किया था. तो फाइनली यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा,
क्लियर हुआ है अच्छे से? यस सर। यस सर। सर एक बार मिटाना होता है। ओके सर, इसको अपना डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? ये एक्स का सिर्फ मोड ही खोल देते डायरेक्ट। क्या बेटा? सर एक्स का मोड खोल के भी ऐसे कर सकते थे क्या? जैसे सिर्फ मोड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बस उसी एक्स का मोड खोल के वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स बन जाता। बेटा पहली बात तो ये है कि जोर से बोलो थोड़ा। सर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स, इसमें सर इसमें डायरेक्ट इसको एक्स स्क्वायर का मोड लिखे बिना सिर्फ मोड एक्स ऑफ मोड ऑफ एक्स को ही खोल के कर नहीं कर सकते थे क्या ओनली? हाँ सर, कि वो मोड मॉड्यूलस दोनों हटा दिया और डायरेक्ट एक्स लिख दिया तो उससे तो सर माइनस तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो सर नहीं सर, जैसे ये थ्री सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आएगा सर? अच्छा इसका पहले क्रिटिकल पॉइंट भी चेक करना पड़ता, मैंने सिर्फ डायरेक्ट मोड ही खोल दिया एक्स का। हाँ बस यही पूछ रही थी। डायरेक्ट अगर कर रहे हो तो जो भी मॉड्यूलस होता है उसको एक बार के लिए प्लस साइन के साथ ओपन करो, एक बार के लिए माइनस साइन के साथ ओपन करो और वहां से सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, फिर उन सॉल्यूशंस को यहाँ पे चेक करो। तो वही किया अपन ने, एक बार के लिए प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ ओपन किया। जब माइनस साइन के साथ ओपन किया तो सॉल्यूशन आया माइनस थ्री और टू, जैसे ही अपन ने प्लस साइन के साथ ओपन किया तो सॉल्यूशन आया थ्री और माइनस टू, सॉल्यूशन आ गए चार। तो वो चारों सेटिस्फाई थोड़ी ना कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे टू आया तू इसको सेटिस्फाई थोड़ी करेगा। यस नहीं करेगा, इसीलिए वो टू हट गया। तो फाइनली चेक कर लो, बोली कोई दिक्कत नहीं है, बिना बिना कोई कंडीशन लगाए जितने भी मॉड्यूलस है उनको एक बार के लिए प्लस के साथ और एक बार के लिए माइनस साइन के साथ ओपन कर दो, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सारे। जैसे अगर तीन अलग अलग वैल्यूज पे मोड दिया हुआ है तो वहां पे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे वहां पे सिक्स, नाइन कॉम्बिनेशन बनेंगे। सर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेंगे? फिर उनको सॉल्व करो, फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज को चेक करो, इससे अच्छा तो केसेस बनाए हुए ज्यादा बेटर रहेंगे ना। यस सर। सर इधर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकलेंगे इस क्वेश्चन में? अरे बेटा क्रिटिकल पॉइंट जीरो आ रहा है ना। हाँ ठीक है सर। अरे क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी जीरो कब बनती है? यस। तो यहाँ पे क्रिटिकल ये मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू क्या थी? एक्स ही तो था। जब x का वैल्यू जीरो जाएगा तभी तो जीरो होगा। यस। जैसे इससे पहले वाले में क्या था? मॉड्यूलस के अंदर x माइनस वन था, x माइनस टू था, x माइनस थ्री था, उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे थे? वन टू थ्री। अच्छा हाँ सर ठीक है ठीक है। ओके नेक्स्ट बोलोगे? नेक्स्ट सर जीरो और टू आ रहा है x के वैल्यू। जीरो और टू आ रहा है। यस सर। चलिए देख लेते हैं। सर मैंने तो टू तक ही किया था खाली। चलिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर इसमें लिखा हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इक्वल दे रखा है किसके? एक्स के, ना? एक्स के। यस सर। वही वाली बात है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे भी? जैसे ही ये वाला मॉड्यूलस हटाओगे तो सामने वाली क्वांटिटी पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स ये लिखना हो जाएगा बिल्कुल गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला जो एक्स है ये तुम्हें पता है क्या कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है कि क्या है? नहीं पता सर, तभी तो प्लस सर पॉजिटिव है। हां पॉजिटिव है ना सर? कैसे पता तुम्हें सर? मोड माइनस एक्स लिखा। अच्छा अच्छा वैल्यू क्या सर? एक्स का वैल्यू माइनस टू हो सकता है, एक्स का कुछ भी हो सकता है ना, वेरिएबल है। हां पर तभी तो सर माइनस प्लस माइनस लिखा है ना। क्या बेटा?
सर इसका आंसर तो जीरो होगा, क्या ना, तभी तो प्लस माइनस लगा दिया। मान लो कि एक्स जब पॉजिटिव हो रहा होता, यस सर, और यहाँ से अपन माइनस कंसीडर कर लेते, देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी वो देखते हैं। सर इसका तो आंसर जीरो है सर, साफ दिख रहा है, क्योंकि सर कोई भी वैल्यू लगाएंगे अपन तो भी तो होगा अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसा तू भी होगा। x square minus x का मॉडुलस इज इक्वल टू अपने पास x का बता, तो अपन ने क्या किया यहां से x square minus x को लिख दिया, क्या इज इक्वल टू लिख दिया प्लस माइनस x, तो यहां से दो तरह से ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा x x minus 1 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू, एक बार के लिए x ले लिया और दूसरी बार x x minus 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x, ये रही वाली बात। यस सर, यस सर, तो यहां से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भी, एक बार के लिए x इक्वल टू ये कॉमन लोगे तो हो जाएगा x माइनस वन और माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया जीरो और दूसरा x का वैल्यू कितना आ गया टू आ गया, ये वाली बात। सर ये कॉमन कैसे लिया आपने? मैं वही सोच रहा था कि ये लिख देता हूँ, फिर मैंने सोचा कि आपका तो समझ जाओगे इस x को इक्वल टू किधर ले आए, माइनस x इज इक्वल टू जीरो, कभी भी ध्यान में रखना। अब वो छोटी क्लासेस में अपन ऐसा करते थे कि इधर x बन गया, x से x कैंसिल आउट कर दिया, पॉसिबल कंडीशन जो भी फैक्टर कैंसिल कर रहे होते हैं ना अपन दोनों तरफ, तो उस फैक्टर की वैल्यू जो है वो जीरो पॉसिबल भी तो हो सकती है, तो सर ऐसे तो वन भी आ जाएगा वरना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, तो जैसे यहाँ पे सिचुएशन अपन देखेंगे कि इस वाले x को फिर फैक्टर कैंसिल नहीं करें तो क्या करें, इसको इक्वल टू को इधर शिफ्ट कर लो, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आया तो ये हो जाएगा x माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे x माइनस वन रिमेनिंग रह जाएगा और यहाँ पे वन रिमेनिंग रह जाएगा, तो यहाँ से होगा x और ये हो गया x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आई जीरो और x की वैल्यू आया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले x को इक्वल टू इधर लाए, इसको x को इक्वल टू इधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा x x माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x जैसे कॉमन आया तो x माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू क्या है x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ से देखो x की वैल्यू जीरो और टू आ रही है भाई। यस सर, यस सर, जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, यस सर कर जाएगा सर, ओके। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था अपना x स्क्वायर माइनस ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, माइनस ऑफ x लिखा हुआ है, ये वाली बात। यस यस, इसमें सिर्फ जीरो, सर मुझे वही क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, सर इसमें सर वो माइनस वन और प्लस वन कैसे आया सर पिछले क्वेश्चन में, माइनस वाला, अरे इस साइड हो जाएगा ना सर, जब x को सर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आए उसके बाद आ गया सर, सर तो, आपने ये ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया ना माइनस वन, इसलिए शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। कौन सा यहाँ पे क्या सर, तो ये नहीं। हाँ सर या सर बेटा माइनस एक्स इक्वल टू किधर आएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, फिर इसमें से एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस वन रह जाएगा यहाँ पे प्लस वन, अच्छा कॉमन ये सर ने, वाह भाई अरे तो अब देखिए यहाँ से तो एक्स का माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे चलो ठीक है क्वेश्चन को अपने सीधा सीधा सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर मॉड्यूलस के इक्वल में कुछ भी अगर अपने को क्या दे रखा है वेरिएबल दे रखा है तो अलग अलग केसेस कंसीडर करने पड़ते हैं, ये बताना चाह रहा था एक्चुअली में, नहीं समझे बात को? समझ गया। देखिए बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी अपने पास मॉड्यूलस के इक्वल में अगर वेरिएबल दे देता है तो फिर अपन क्या करेंगे, जो भी मॉड्यूलस के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो कब पॉजिटिव ओपन होगी कब नेगेटिव ओपन होगी उस पे अलग अलग क्या करेंगे अपन कंडीशंस अप्लाई करेंगे,
या फिर ऐसा अगर नहीं कर रहे हैं अपन तो सीधे सीधे डायरेक्ट मॉड्यूलस हटाओ और प्लस माइनस साइन के साथ ओपन कर दो सामने वाली क्वांटिटी को, जो भी वेरिएबल है, फिर उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आता है अपना, उस सॉल्यूशन को जो भी अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें क्या करवा के देखो, सेटिस्फाई करवा के देखो। जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी वो तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी वो उसका सॉल्यूशन नहीं। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, तो ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा कि सीधे सीधे मैं प्लस माइनस साइन के साथ ओपन कर लूं और देन उसके बाद उसको मैं क्या कर दूं, चेक कर। तो देखिए जरा ये वाला, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये तो था अपना। तो देखिए प्लस माइनस साइन के साथ ओपन कर देता हूं मैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो प्लस माइनस ऑफ माइनस एक्स का मतलब तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ही तो हुआ। यस सर। प्लस लोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस लोगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस एक्स हो जाएगा। ओके यस सर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा भी, इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन आए तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, एक तो आया जीरो और एक आया टू। टू सेटिस्फाई नहीं करेगा, जीरो रखा यहाँ पे, तो जीरो और माइनस जीरो का मॉड्यूलस जीरो, इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई हो रहा है भाई। जैसे मैं तो सर ये तो पहले वाली बात हो गई, तो टू इक्वल टू माइनस टू पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब टू यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट इसको जैसे चेक करोगे तो ये तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, जो कि अपन पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। यहाँ से ओनली क्या आ जाएगा, इस वाले में क्या आ जाएगा, x equals to 0, x equals to 0 2, or 2, all the solutions. Clear हुआ है अच्छे से बेटा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So next वाले का x equals to 6 आएगा। तो उसके बाद 7 और 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर देख लेना, जो कि तुम्हारे solutions बन, ठीक है? Yes. Okay sir. तो अब ध्यान से सुनिए बात, जो भी new students हैं वो ऐसा करो, ये जो भी number है इस पे मैसेज कर देना मुझे कि मैं 11th क्लास का ये न्यू स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एक बार के लिए जो भी अपना चैनल है उसका लिंक भेज दीजिए, तो मैं वो लिंक सेंड कर दूंगा। तो उस पे बेटा जो भी तुम्हारा 11th का इनइक्वालिटी नाम से जो भी अपने पास 11th की प्लेलिस्ट के अंदर जो भी इनइक्वालिटी नाम से जो भी टॉपिक है, वो सारे के सारे जितने भी लेक्चर है, चार या पांच लेक्चर होंगे, वो अच्छे से देख लेना एक बार के लिए, ठीक है ना सर? पर मैं तो सर जब से आपने इनइक्वालिटी शुरू कराई है तब से ज्वाइन हो, तो मुझे करना था। तो ज्वाइन हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसने अगर इनइक्वालिटी से ही ज्वाइन कर लिया था तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने सर वैसे मेरे पास सर लिंक भी पड़ा है। हां सर लिंक भी पड़ा है मेरे पास। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। ओके ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।